जीएसटी के तहत कॉम्पोजिशन स्कीम के समझौते के लिए गठित जीओएम की बैठक हो रही है। जीओएम यानी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, असम के वित्त मंत्री की अध्यक्षता में हो रही इस बैठक में कई और राज्यों के मंत्री और वित्त मंत्रालय के अधिकारी शामिल हो रहे हैं। इस बैठक में रेस्तरां पर जीएसटी रेट की समीक्षा करने के अलावा अनब्रांडेड ग्रेन को टर्नओवर में शामिल करना है या नहीं, इस पर भी फैसला होगा। जीओएम इस संबंध में विचार करेगा कि जो मैन्युफैक्चरर कॉम्पोजिशन स्कीम में 2% जीएसटी का भुगतान कर रहे हैं, उन्हें उसका इनपुट क्रेडिट मिलना चाहिए या नहीं। इसके साथ ही मंत्री समूह इस पर भी विचार करेगा कि कॉम्पोजिशन स्कीम के तहत पंजीकृत व्यापारियों को अपने राज्य से बाहर बिक्री की इजाजत दी जाए या नहीं। जीओएम 2 हफ्ते के भीतर इस संबंध में अपनी रिपोर्ट देगा। और जानकारी लेते हैं, हमारे सहयोगी आलोक प्रियदर्शी जुड़ रहे हैं। आलोक, सबसे बड़ी बात वो ये है कि क्या रेस्तरां पर जो जीएसटी दर है वो घटेगी, क्या ये प्रमुख मुद्दा है? एसी रेस्टोरेंट पे 18% से कम होगी और नॉन एसी पर 12% से कम होगा, ये प्रमुख मुद्दा है। इसके अलावा कुछ और भी मुद्दे हैं आज की बैठक में? बिल्कुल, देखिए जो रेस्टोरेंट पर जो जीएसटी लगता है 28% भी लगता है, 18% भी लगता है और 12% भी लगता है, और साथ ही जो कॉम्पोजिशन स्कीम के तहत रेस्टोरेंट चल रहे हैं वहां पर 5% लगता है। तो ऐसे में रेस्टोरेंट के रेट्स को लेकर काफी एक तरह से कहें काफी असमानता है। तो जो जीओएम बना है असम के वित्त मंत्री हेमंत विश्व शर्मा की अध्यक्षता में, उसमें इसी पर विचार विमर्श होगा कि क्या रेस्टोरेंट का जो हाइएस्ट रेट है उसको घटाया जा सकता है, क्या उसको 12% किया जा सकता है, या फिर उसको अगर 12% किया जाता है तो रेवेन्यू का कितना लॉस होगा, और उसको जो कॉम्पोजिशन स्कीम है उसको और आकर्षक बनाने के लिए और लुक्रेटिव बनाने के लिए और क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए। तो अगर कॉम्पोजिशन स्कीम की बात करें तो जो मैन्युफैक्चरर्स हैं जिनको 2% जीएसटी देना होता है तो क्या उस पर इनपुट क्रेडिट उन्हें मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, इस पर भी विचार होगा। और साथ ही साथ जो कंपोजिशन स्कीम के तहत रजिस्टर्ड जो कारोबारी हैं, क्या वो अपना माल दूसरे राज्यों में बेच सकते हैं या नहीं बेच सकते हैं, क्या उन पर टैक्स लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए, इस पर भी ये जीओएम विचार करेगा। तो और इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है, वो है ग्रेन कारोबारियों के लिए, जो सीरियल्स और अनाज कारोबारी हैं वो उनके लिए, क्योंकि अभी तक जो टर्नओवर तय होता है 0%, यानी कि जीएसटी फ्री जो अनब्रांडेड सीरियल्स होते हैं अनाज होते हैं, अगर वो उसका भी कारोबार करता है तो उस कारोबारी का टर्नओवर में उसको गिनती होती है। तो क्या कंपोजिशन स्कीम में शामिल करने के लिए या फिर दूसरों फायदे के लिए क्या उसके टर्नओवर में जो अनब्रांडेड यानी 0% अगर जीएसटी पर कोई कारोबारी काम करता है तो क्या उसको काउंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये भी जो आज जीओएम की बैठक हो रही है इसके लिए बड़ा मुद्दा है। तो इन तमाम चीजों पर ये जीओएम फैसला लेगा, और कोशिश सरकार की यही है कि दिवाली के पहले एक बार तो बड़ा धमाका सरकार कर चुकी है कारोबारियों के लिए जीएसटी में कई तरह के राहत देकर, क्या एक बार और कोई बड़ा क्या ऐलान होगा कॉम्पोजिशन स्कीम के तहत? तो तमाम जो रेस्टोरेंट में लोग खाने जाते हैं जो ज्यादा रेस्टोरेंट का बिल चुकाने से परेशान है, जीएसटी रेट चुकाने से परेशान है, तो क्या उनको भी राहत मिलेगी? तो ये कई सारे मुद्दे हैं जिस पर जो अध्यक्ष हैं हेमंत विश्व शर्मा असम के वित्त मंत्री, उनकी अध्यक्षता में बैठक हो रही है। बहुत शुक्रिया आपका आलोक इस तमाम जानकारी के लिए। तो बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा हो रही है, लेकिन जो प्रमुख मुद्दा है वो यही कि क्या जीएसटी रेट घटना चाहिए एसी रेस्टोरेंट्स पर और नॉन एसी रेस्टोरेंट पर। और हेमंत विश्व शर्मा असम के वित्त मंत्री हैं, उनकी अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है। सुशील मोदी भी इस बैठक में शामिल हैं, बिहार के डिप्टी सीएम, इसके अलावा पंजाब के वित्त मंत्री इसमें शामिल हैं, छत्तीसगढ़ के कॉमर्स मिनिस्टर इसमें शामिल हैं।